गिफ्ट को ओपन करने वाले हैं, तो देखते हैं क्या क्या दिया है। ये मम्मा तेरे ऑफिस तो आए थे सारे। हाँ ए है ना, कोई भी ए हो जो तू आया है, ए डिनर सेट है। हाँ ओके सुनो। सो आज आंचल और मम्मी और मैं, हम सब कर रहे हैं गिफ्ट की अनबॉक्सिंग, जो मम्मी को रिटायरमेंट पे आए हैं। और आंचल की पहाड़ी लुक आपको कैसी लगी? मैंने अभी ये कपड़ा पहना पड़ते हुए किया, मैंने कहा ये तो रह ही गया मेरा, और दूसरी कलर था ना। हां तड़ा भी है स्किन कलर का, आपको दोनों को पहनना चाहिए था, है ना। चल कोई बात नहीं, चलो छोड़ो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आप लोगों को पकाएंगे नहीं, फटाफट से गिफ्ट की ओपनिंग करते हैं। ये मम्मी पूरा नहीं खोलना, क्यों पूरा खोल के दिखा रहे हैं ऐसे, बता देते हैं कि ये ये मम्मा के ऑफिस से मिला ये डिनर सेट, देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है, यहाँ से आपको पता लग रहा होगा कांच का है। हाँ दूसरा है कांच का, हाँ ये देखो सेलो कंपनी का, बहुत अच्छा लग रहा है ये, हम आपको खोल के दिखाते हैं। और मम्मा के दो तीन गिफ्ट जो उधर पड़े हैं दूसरे रूम में, वो भी लेके आते हैं। उसमें है एक ने दिया ओवन, हाँ, वाले सारे वाले मिले ना, दफ्तर वाले वाले, ठीक है ऑफिस वाले वाले। फटाफट से करो, तब तक मैं दूसरा गिफ्ट खोलती हूँ ताकि आप लोगों का भी टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। एंड मम्मी इतने गिफ्ट मेरे को शादी पे नहीं मिले जितने आपको रिटायरमेंट पे मिले, ये सब मम्मी। अरे यार किसी का नाम तो वृंदावन है, वृंदावन और नहीं छह कोलियां नहीं है यहाँ, तो बड़ी वाली है ये, छोटी वाली और ये बड़ी वाली, छह प्लेटा और ये छह थोड़े बड़े है उससे, ठीक है। जैसे एक में राजमा होगी तो एक में दही वाली, इसमें क्या हो, दो डोंगे, दो डोंगे और छह ही छोटी प्लेट्स और छह बड़ी प्लेट्स, बड़ी प्लेट्स भी दस। ये डिनर सेट है ना, मैं आपको सेट बना के दिखाती हूँ, ये हो गया और ये छोटी वाली देखो, ये कांच का क्या, वन चाइना, वन चाइना मम्मी, चीनी मिट्टी होती है, चीनी मिट्टी बट बहुत अच्छा होता है। और ये है सैलो का, मम्मी सैलो का है, बहुत अच्छा है। पहले मम्मा आप थैंक यू बोलो सबको, अब हम ये लगाएंगे बाद में, मम्मी अपने ऑफिस वालों को थैंक यू बोल दो, थैंक यू ऑफिस वालों को, सभी को ऑफिस वालों को, एचआरटीसी स्टाफ को, पूरे को धन्यवाद जिन्होंने इतना प्रीशियस गिफ्ट दिया मम्मी को, है ना। गिफ्ट चाहे एक रुपए का हो या एक लाख का हो, गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है ना, गिफ्ट की इनाम का जैसे कहते हैं, एक रुपए इसको और बहुत सारे गिफ्ट है, सही बात है। जब इसमें खाना खाएंगे फिर से एक बार तारीफ करेंगे, इसको भी ऐसे साइड रख दो, उसके बाद नहीं इसको बंद करो, साथ के साथ बंद करते रहो। ये है बेडशीट, इसका स्टफ मम्मी बताती है, किसने दिया, सीमा मम्मी ने, सीमा मम्मी ने दी, हां ओके बस अंचल रख दे इसको, ये ऊपर से दिखाते हैं आपको, क्योंकि अगर इसको हमने खोला तो मम्मी इसकी फॉल्ट नहीं, मम्मी तय नहीं लगी, मम्मी बाहर से यहाँ से दिखाओ ना, यहाँ से दिखाओ ना, ये रखो, ये देखो बेड के ऊपर लगी हुई ना, ये दिखाओ, बहुत अच्छी है, बहुत बहुत थैंक यू मम्मी जी, मम्मी बहुत खुश हुए मामा और मामी जी की तरफ से। गर्मियों में लगेगी, अभी नहीं, अभी तो ठंड, दस एक दिन में। और ये आंचल नहीं मम्मी ने ओपन करना था, मम्मी आपको कोई ऐतराज तो नहीं, आपकी बहू ओपन कर रही है, थैंक यू हमारी भाभी जी और भैया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो ये लो मम्मा खोलो, ये भी आपके लिए कुछ, ये किसने दिया, आर्चीज, ये सीमा मम्मी ने, ये आर्चीज का, ये अंजलि, इसके ऊपर नाम देखना, ये तो मेरे को लगता है डल अंकल ने दिया है, इसके ऊपर नाम देख किसका था, हाँ जी आप बताओ, आप बताओ, बरामदे में यहाँ पे बल्कि, हाँ मम्मी ढल अंकल ने दिया ये, शायद वही लिखा है इसके ऊपर, स्टिकर लगा था लेकिन स्टिकर मिल नहीं रहा, कहाँ लगा था, लेकिन लगता है कि ढल अंकल ने दिया, बाकी हम वीडियो में जिसने भी दिया बहुत अच्छा, मम्मी घुमा करके दिखाओ एक फोटो इधर इस साइड करके, वाह श्री गणेश, जय गणेश महाराज जी, मरिया अंकल कितना अच्छा गिफ्ट दिया मम्मी को। ये अगले गिफ्ट आ गए हैं अंचल, ये किसने दिए, सारे मेरे माइकी की तरफ से, वो भी ये किसके लिए है, मेरे लिए, मेरे और मम्मा के लिए, मतलब हम ये मेरे
अकॉर्डिंग ऐसी चीजें हैं जो हम डेली यूज में यूज कर सकते हैं, लाइक मम्मा ने मेरे को बताया था कि एक में डिनर सेट है तो शायद इसमें डिनर सेट होगा, ऐसी चीजें हैं जो हम दोनों यूज कर सकते हैं। जो मेरे गिफ्ट हैं वो आंचल के, जो आंचल के गिफ्ट हैं वो मेरे गिफ्ट ज्यादा है मम्मा। मम्मी ये बताओ आंचल वाले गिफ्ट जो है इसमें से ये बर्तन है सारे, ये बर्तन धोएगा कौन? जी पुद्दी पुदेगा। मैं कह रही है जो मेरे गिफ्ट वो आंचल के, आंचल नहीं कह रही जो मेरे गिफ्ट वो मम्मा। आंचल के मन में वो है कि मैं दे देती हूँ कि इसमें बर्तन ही बर्तन है। ये कौन सा है? ये भी मम्मी ऑफिस से आया है। हाँ एक माइक्रोवेव भी है, माइक्रोवेव नहीं है क्या वो? मल्टी वाला है। ये अंचल के घर से है, ये सारे येलो वाले और हम कैसरोल है, ये तीन का सेट है कैसरोल है, ये एक में हलवा बना लो एक में फुलके डालो, बनाने वाले भी तो रखने वाला है, बना के रखने वाला हाँ, बना था सर्विंग वाले मम्मी ना कर लो ना रे मम्मी ना कर लो क्या है अंजू कढ़ाई। वैसे हमारे पास बहुत सारी पड़ी है तो क्यों लेके आई? मैं थोड़ी ना लेके, मम्मा लेके आई। क्यों लेके आए? ये मैं सांभ के रखूंगी ना, जैसे मेरी मम्मी ने संभाल के रखे हुए अपने मायके के बर्तन आज तक। कोई आएगा तब लगाएंगे, कोई आया ही नहीं आज तक, लगाया नहीं मम्मी ने। बहुत अच्छी है, ढक्कन भी साथ में ना। प्रभा प्रभा हाँ। वाओ पलटे से है ना आंचल, तेरा गिफ्ट है ना ये? ये है मम्मी, है आंचल का है पर आया आपकी रिटायरमेंट पे तो आपका ही। आप भी खुश रहो, इसमें हमको बना के देना हलवा, इसमें रख देना पूड़ी और देख लेंगे क्या क्या खाना है। पूड़ी तो गजरेला खीर, जब हम मैं घर आऊंगी ना तो तुम मेरे आंदे सब कुछ बना रखियो, खा लेना गजरेला खीर सब कुछ। मैं देसी के नाल तर उतार नहीं रहन दो। चलो नेक्स्ट लास्ट 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 फटाफट फटाफट, ये आपके कारण फटाफट कर रहे हैं। मैं बहुत ही इसको जल्दी बोलो जल्दी मम्मी। हां एक स्टील वाला डिनर सेट, स्टील वाला सीधा करो सीधा मम्मी इसको मम्मी ऐसे ये खोलेंगे नहीं मम्मा, ना खोले प्लीज, ये तो बहुत गा पाएगा। 51 चीज है मम्मी इसमें, 51 यूनिट। साइड तो देखो मम्मा, मम्मी यहाँ से देख लो। मैं बताती हूँ, 6 छोटी प्लेटें, 6 बड़ी प्लेटें, जग भी है ना, थाली जग ग्लासेस होंगे ठीक है, बाकी चमचे ते कोलियां 12 कोलियां भी है, सिप्पी जी हां ये तो वो होगी ना, सिप्पी जी भी है कंचो वो है ट्रे जग। ये हम फुर्सत में खोल के बताएंगे, अभी मेरी लोड़ी का भी सामान ऊपर ही पड़ा, ऐसे ही पड़ा है। हां उसमें ऊपर रखा हुआ है, वो भी नहीं खोला हमने। मेरा दसिया दीपू ने खोल ले, खोल ले हमने, खोलने कब टाइम कब मिला पता? वो अब तो ही नहीं आ गई मेरे घर मम्मा लेके, पहले सामान उन्होंने निकाले उधर, और वो अंचल का सामान तो मैंने लगाया, मैंने कहा नहीं अब अंचल आई तब खोला हमने। मेरा सामान ये सबसे लगती है क्योंकि इसके साथ पिल्लो भी है और उस पे ये बना हुआ है दुल्हा दुल्हन ठीक है। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, नहीं नहीं बाद में खोलेंगे, जब मैं ये मतलब बेड पे लगाऊंगी तब दिखाएंगे। मम्मी कितना है, मम्मी पेरे नहीं ना देती प्रीति वाले डिनर सेट देख, वो स्टील वाला 51 यूनिट है उसमें, 51 मतलब तीन चीज में। दादी ने भी दिया है कुछ, वो इसमें ब्लैंकेट होएगा या बेडशीट होएगी? इसमें बेडशीट है चल गर्म, हाँ रख दो नेक्स्ट विंटर में डालूंगी, इस बार तो निकल जाएगी, डालनी नहीं है बिछानी होती है। ये भी इसी कलर की है ना मैचिंग, देखो अपने घर से आए हुए सामान का कितना शौक है। और ये मम्मा ने की है रजाई, ये हमारी पूरी फैमिली के लिए मतलब इतनी भारी बेड दे बेड के लिए, मैंने कहा इतनी बड़ी बेड शीट देखो मम्मी, मेरे को तो ऐसे लग रही है कि पूरी फैमिली सो जाएगी इसमें, इतनी बड़ी है ये। ये तेरी मर्जी है, तू जब खोलना हो खोल लेना इसको ठीक है, हमारे पास ऐसे पड़ी हुई है, तीन तो अभी नहीं ली। आंचल मम्मी आप लोग, एक कमेंट आया था लोगों का कि आपने उस दिन वो रजाइयां कितने में ली थी, वो हमने ली थी 6000 में नहीं, 5100 में तीन, वो 3500 बोल रहे थे एक के, लेकिन 5100 में तीन हमने ली क्योंकि मम्मी हमारे बार्गेनिंग करने में एक्सपर्ट है और मम्मी को पता है किस चीज का कितना रेट है। मैं एक चीज बोला
बस आप ब्लैंकेट मेरा और चादर है ये शशिपाल मामा जी का शगन है आशु भैया लेके सूट था ये मिला ही नहीं हमें पूरा मैं मम्मी को बोल रहा हूँ मैंने कहा मम्मी आशु भैया कुछ लेके आए थे वो कहाँ गया अब पता चला ना ये हाँ जी ये किसने दिया मम्मी ये तो कोड है कुछ लिखो अंचल जिसने भी दिया बहुत अच्छा है और बहुत ही सुंदर एक चीज और रहती है ये वाली गणेश जी की प्रतिमा जो है फोटो जो है ये हमारी मामी जी ने दी है वंशिका ने पिछली वीडियो में दिखाया था और एक एक चीज और रहती है वो आपको अगली वीडियो में दिखाएंगे वो हमारी बुआ जी की लड़कियां है ना सीमा दी बिल्लो दीदी और रेखा दीदी उन्होंने दिया बहुत अच्छी चीज मम्मी को बहुत पसंद आई उसकी एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि हमने वो अच्छे से रखी हुई है सेफली रखी हुई है और मम्मी को बहुत पसंद आई तो वो आपको अलग वीडियो में दिखाएंगे अगली वीडियो में मम्मी एक में कैसे दिखाएंगे सब कुछ तो हमने खोल खोल नहीं दिखा सकते ये सूट है आपको शशिपाल मामा जी की तरफ से आया आपके नानके से आपके मामा जी के बेटे की तरफ से ये है मम्मी को उनके नानके की तरफ से ये सबके कपड़े मम्मा जो घर के सबके यार अंचल बार बार पहले भी लेके आए थे अब फिर से लेके आए हैं वो लोहड़ी के थे ये रिटायरमेंट ये जो देते हैं ऐ साडा गरम सूट अच्छा हां जरा ये रख दिया प्रीति दी दा ऐ प्रिया दी दा ये मेरा फ्रॉक सूट है जो कि मैंने मम्मा को बोला था मम्मा प्लीज मेरा स्टिच करवा के मेरे को देना ये मेरा फ्रॉक सूट बना बनाया है ये मैं डालूंगी डालने के लिए होता है अरे मतलब ये मैं मतलब फंक्शन जो भी आने वाला है ना उस पे ये डालूंगी बाहर से स्टिच करवा के ओके ओके और ये है मेरे मियां जी का अदाबार ये है मेरे मियां जी का स्वेट शर्ट और जी अरे यार यही ले जाते हैं हम साथ ले चलते हैं रख इसको निकाल मेरे पास पकड़ा इधर इधर साइड इसे वो कर दे इसे मम्मी को ना वो होता है कि इसे हमने शॉर्टलिस्ट कर दिया इसको प्रिया दी तो दी तो एक ग्लास लेना ये उनको दे देना जब आएंगे मम्मी दिता नहीं कुछ अंचल एक बात बोलूंगा गुस्सा मत करना अंचल ऐसे लग रही है जैसे कंबल बेचने आई होती है नहीं पहाड़ लग रही है ढाटू लगा के और ये क्या बोलते फैन पहन के बहुत सुंदर लग रही है मेरे को ये लगता है कि अंचल ऐसे पहाड़ी ड्रेस पहने सुबह की कमाई हुई 500 रुपए की लगाया तेरे को 500 रुपए की ये बहन जी इसके जिप किसने तोड़ दिया जिप किसने फोड़ दिया जिप मम्मी बेच दी जिप किसने तोड़ा मेरी सूट का जिप मम्मी ना सूट था पहले कवर चेंज कर देनी है मम्मी को है ये ऑफिस की तरफ से मम्मी आराम से खोलो आपके ऑफिस से आया है पूरा मत खोलो इसको बस ऐसे उठा नहीं है मम्मी ये इसका फ्रंट है फ्रंट साइड है ये वाली ये तो पुठा है ठीक है ये पुठा रखे हो नहीं मम्मी पुठा नहीं है मेरे तो वारंटी कार्ड भी मिल गया था ऑफिस वालों को मम्मी थैंक यू तो बोल दो 20 लीटर कैपेसिटी है ऑफिस वालों को मेरी तरफ से थैंक यू सो मच पूरे डिपार्टमेंट 17 साल की कमाई है ये मम्मी की 17 साल की कमाई है जो आपने इतने टाइम नौकरी की जॉब की उसकी हमारी शादी पे इतने मतलब गिफ्ट्स नहीं आए और इतने मतलब लोग नहीं थे जितने नहीं हमारे में थे अंचल मेरे मैरिज में थे इतने लोग इससे ज्यादा थे पर रिटायरमेंट पे बारिश भी थी ना तब भी लोग बहुत आए इतने लोग आए हाँ बहुत लोग आए जब मैंने क्राउड देखा ना मैं तो खुश हो गया इनका किसी का भी नहीं पता था मतलब बहुत ही कम हो गया किसी का पता हो तो मैं सभी को नमस्ते पैरी पहना बोल रही थी वो मेरे को बोले पहचाना बोल रही थी मम्मी बोलते ना तू भी चल अगर हम साथ चले जाते ना तो हाँ। सारे गेस्ट जितने भी आए थे ना उन्होंने वापस जाना था क्योंकि मम्मी तो 2 बजे पहुंचे यहाँ पे आगे तो याद हाँ हम मेरा बहुत मन था कि हमने जाना साथ में लेकिन यहाँ पे भी तो देखना था और जब मैंने देखा ना कि बारिश रुकी उसके बाद मैंने बताती थी बुआ को मैंने कहा बुआ 11 बजे से लेके 5 बजे तक कोई बारिश नहीं है बुआ जी कहते नहीं मेरे को लगता जब उन्होंने देखा ना कहते डीपू तेरी भविष्यवाणी सही हुई फिर जब लोग आने शुरू हुए ना मम्मी
फिर तो मैं खुश हो गया, मैंने कहा चलो अब ठीक है, मम्मी की रिटायरमेंट अच्छी हो गई, मम्मी का बहुत मन था कि तो मन भी डर लग गया रहना है, असि मतलब जिद सारे आन लगे बस भी छाई सारा सब कुछ ठीक ठाक हो जाऊंगा ना, बहुत अच्छा मन जेरा ना उधर नहीं, ऑफिस वाले आपके बहुत खुश हो गए और उनको जाते टाइम मिठाई भी दे दी, एक दो डिब्बे मम्मी बोले कि कम हुए, जब मम्मी ऑफिस जाएंगे तब डॉलर दे देंगे, उन्होंने 28 बोला था, मैंने 30 दे दी थी, पर फिर भी मम्मी उनको एग्जैक्ट पता नहीं होता ना कि कितने है ना, तो उन्होंने अपने हिसाब से बोल दिया था, फिर मैंने 30 दे दी थी, दो तीन डब्बे वैसे छूट गए, कोई बात नहीं जब आप ऑफिस जाओगे तब हम दे देंगे, खाले खाले ये मिठाई, मम्मी कल छुट्टी ले लो, मुझे लिए छुट्टी ले लो, कल ऑफिस छुट्टी ले लो, कल ऑफिस चलो छुट्टी ले लूंगे, किससे मांगोगे छुट्टी, पर भी मैम आप छुट्टी देना मम्मी को जब भी मम्मी को बोलो ना मम्मी छुट्टी ले लो, हाँ तेन नहीं पता प्रवीण मैम ने है नहीं भेजना, मैंने बहुत काम होना, किसका है मम्मी ये, आप क्या करोगे इसको, तू हमारे वाले नीचे जो है ना जो नीचे लगा रखा हमने ब्लैक, हाँ तो ये ग्रिल भी होता है, टोस्टर ग्रिल ओवन तीन, प्रीति इसमें तीन, ये देखो ओवन भी है टोस्टर भी है ग्रिल भी है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि इसमें क्या 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 बना सकते हैं हम, वाला है यार मेन फंक्शन तो वही होता है, रोटी गर्म करनी होती है या केक वगैरह बनाना होता है कुछ है ना बस, बाकी हाँ जी किसी ने करेगा मम्मी आपकी नौकरी में सबका योगदान है, देखो लॉकडाउन हुआ आपको मैं छोड़ के आता था ना, जब मैं सोता रहता था प्रीति आपको सुबह ट्रेन चढ़ा के आती थी ना, ये है फिर ये आपको खाना बना के देती थी, अभी नहीं अभी तो आंचल दो बार छोड़ के मम्मी को ना, आंचल देख ऐसी कोई कंपनी नहीं है जहाँ पे दो महीने में आके बंदा मालिक बन जाए, नौकरी पक्की शादी के दो महीने में और मालिक पूरी मालिक पूरी ओनर, जो इसमें पहली बार कुछ बनाएगा पूरी जिंदगी वही बनाएगा, इसमें जो भी बनाओगे तुम बनाओगे, जो भी बनाएगा हमें खिलाएगा सारी उम्र खिलाएगा, जो रोटी वगैरह होगी वो मैं इसमें ये इसमें सभी अब सारा भी आपने ना तो वॉशिंग मशीन चलानी सीखी है ना, हाँ। कि मेरे को कपड़े धोने पड़ेंगे, हाँ। है ना छोटी वाली कौन सी, वो तो आपने ऊपर रखती है, वो तो चलाते नहीं हो, हाँ। ना आपने प्रेस करते हो ना, ना आप मिक्सी चलाते हो, करते क्या हो आप, मैं परिवार का घर चलाना सीखा, घर तो यहीं पे इतने साल से गए नहीं कहीं पे चल के, मम्मी आंचल ना कहीं भी जाती है तो लोग बोलते है कहाँ से लेके आई ये चांद सा टुकड़ा, खुश हो जाती है खुश हो जाती है, हम चांद के टुकड़े ने मुझे इतनी दूर से ही पसंद किया, ये सस्पेंस है, काफी लोगों को नहीं पता, किस किसी को भी नहीं पता कि कैसे हमारी मुलाकात हुई कैसे बातें हुई, और ये मुझे पता है सब कुछ, आपको कैसे पता मम्मी, आपने तो ये ज्यादा गला था मैंने भी नहीं बताया मैं मम्मी अगर आपने किसी को बताया ना फिर देख लेना हम आपको घुमाने नहीं लेके जाएंगे, हाँ हम ऐसे मम्मी को ब्लैकमेल कर सकते हैं क्योंकि मम्मी को घूमना फिरना बहुत पसंद है, अब मम्मी ना आंचल सारा सामान देखते रहेंगे कौन सा कैसे है क्या है, मम्मी को बहुत ना कभी किसी ने गिफ्ट नहीं दिए, अभी चार पांच साल पहले गिफ्ट आने शुरू हुए छोटे बहुत ना, नहीं तो हम सोच रहे कि लोग जन्मदिन पे गिफ्ट देते एक दूसरे को, हमें कभी कोई देगा, अब मम्मी के सारे गिफ्ट तो हमने अनबॉक्स कर दिया, आप लोग बताना कि आपको मम्मी के गिफ्ट अनबॉक्सिंग की वीडियो कैसी लगी और गिफ्ट कैसे लगी, कौन सा लगा, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, मम्मा के कहने पे प्लीज कर देना लाइक।
लाइक और सब्सक्राइब भी है ना आपके चैनल पे। और अभी थोड़े बहुत गिफ्ट और रहते हैं, वो हम अगली वीडियो में खोलेंगे क्योंकि ये सारे इतने सारे गिफ्ट है ना, अभी इनको भी समेटना है, इनको भी रखना है। और काफी गिफ्ट हमने जो है बेड में रख दिए। थैंक यू तो बोलो, उन्होंने इतनी देर आप लोगों ने हमारी ये वीडियो देखी तो, और जो रिटायरमेंट की वीडियो ना मम्मी उसको देख के सब हाँ, लोग रोने लगे। वो लोगों वो वीडियो को सबसे ज्यादा प्यार दिया मम्मा। उस वीडियो को कमेंट्स को ना हम रिप्लाई नहीं करने पाए कर पाए, लेकिन सबका सब बहुत सब दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हमारी रील भी बनाई है, वो रील मुझे इतनी अच्छी लगती है, सुपर से भी ऊपर इतनी अच्छी लगी रील। और जो प्रिया के आंसू है वो भी नहीं देखे जाते, प्रीति के भी, दीपू के भी, बात ही शोर है। आंचल की दादी रोने लगे मम्मी, सब क्योंकि हमारे पापा का सबके साथ बहुत ज्यादा प्यार था, सबके साथ बोलते रहे, जैसे मैं हर एक किसी के साथ। आंचल हमारे जितने भी रिलेटिव हैं सबके साथ पापा का बहुत प्यार था, और सब टचवुड की मुझे भी लोग वैसे बोलते हैं कि मेरी आदत भी उनकी जैसी है कि मैं हर एक के साथ रिश्तेदार के साथ सबके साथ हंस के बोलता हूँ। जो भी गए गुजरे भी थे दीपू ने वो भी तोड़ लिया मम्मा, मेन चीज थी बहुत स्ट्रॉन्ग बन के ना सबने पालिया, वो भी इतने बढ़िया। चलो चलो अब इस वीडियो को एंड करते हैं, बाकी की बातें हम आपसे बाद में करेंगे। मेरे को बताओ ये कैसा लग रहा है बहन जी? एकदम मस्त लग रहे हो, एकदम मस्त, एकदम मस्त बहन जी। डाटू वाली कमल तेरा लांगा नचना प्यारा हो, तेरा लांगा नचना प्यारा हो, दूर मत जांदी अंचले, दिलड़ू जाल ना मारी हो, दिलड़ू जाल ना मारी हो। हार लेडीज को तब अच्छा लगता है जब सोने का हो। केड़ा हार? सत लोड़ा पा दी। ओ मम्मी मैं तो उन्होंने आर्टिफिशियल हार लिया करना, तुझे कहना सोने का ओरिजिनल है। क्योंकि ओरिजिनल तो लेके दे सकते हो, आर्टिफिशियल तो दे सकते हैं। मम्मी जिंदगी का शौक, निशा मम्मी बोलते हैं ना, कहते सोना जो है गुम हुआ भी बुरा है और मिला हुआ भी बुरा है। हाँ। मतलब जिसका गुम हुआ है उसके लिए तो बुरी बात है ही, जिसको मिला है ना, जिसने चुराया है उसके लिए ज्यादा बुरा है। तो गोल्ड जिसने भी आपका लिया है उसको डाइजेस्ट, तो आप बेफिक्र रहो, आपका जो गोल्ड गया है कोई बात नहीं, आप अर्न करते हो, कमाते हो जाता है, कई बार गुम हो जाता है या फिर मिसप्लेस हो जाता है। तो मिसप्लेस तो नहीं हुआ, लेकिन अगर हुआ था तो मिल जाना था इतने दिन में। छोड़ो टेंशन, मतलब मम्मी जो होता है अच्छे के लिए होता है ना, जब इतने कीमती बंदे चले गए, इंसान चले गए, तो फिर उन इसी बात को आगे रख के मैं थोड़ा बाय बाय कर दो, बाय बाय।